नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। ओडिशा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 288 हो गया, वहीं 850 के करीब लोग घायल हुए हैं। इस घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओडिशा गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेने के बाद दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए बालासोर के एक अस्पताल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है और मदद का आश्वासन दिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही पहलवानों के समर्थन में शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापू और किसान संगठनों की महापंचायत हुई है। लगभग 5 घंटे चले इस महापंचायत में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत मिलने के बाद भी बीमार पत्नी से नहीं मिल सके। वे शनिवार सुबह पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने के लिए घर पहुंची, हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। शनिवार को होने वाली गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन रद्द की गई है। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है। इस इवेंट में मंडगांव स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आने वाले थे, मगर उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। मणिपुर के वेस्ट इंफॉल जिले के 2 गांवों पर कुकी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया है। हमले में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुकी समुदाय के लोगों ने मॉडर्न हथियारों और बमों के साथ अटैक किया। उधर विष्णुपुर जिले की पोम्बीखोक से भी हिंसा की जानकारी मिली है, हालांकि यहां किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई। पूर्व क्रिकेटर एवं पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी ने राज्यसभा में उनकी हाजिरी को लेकर सवाल उठाने वालों को आड़ी हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनकी 60% से ज्यादा हाजिरी है। उन्होंने पंजाब की कई मुद्दे सदन में उठाए हैं। हाजिरी पर सवाल उठाने वाले उनके काम देखे। दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा में शनिवार को प्रथम पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की रस्मी शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम पूजा में शामिल हुए। इस साल तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। पिछले साल यात्रा में करीब 3 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं, जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। में एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को चौंकाने वाला दावा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुमशुदगी की शिकायतों की जांच के दौरान बड़ी संख्या में लव जिहाद के मामलों का पता चला है। एकनाथ शिंदे सरकार में गृह विभाग संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि राज्य में गुमशुदगी की शिकायतों का पता लगाने की दर 90 से 95%। फर्जी फोन कॉल और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक सवाल के जवाब में दूरसंचार मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों को कभी भी अनजान नंबर उस चाहे कॉल को नहीं उठाना चाहिए। मैं प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करता हूं कि वे केवल उन नंबरों से कॉल का जवाब दे जिन्हें वे पहचानते हैं। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।